नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष गौरव राघव जी। गौरव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है सर आपका। राजनीतिक जो दौर शुरू हुआ सर आम आदमी पार्टी में, कैसे आपके मन में विचार आया, कैसे जुड़ना हुआ आपका? आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से अन्ना आंदोलन चल रहा था और उसके बाद पार्टी नहीं एक जनसेवा के रूप में पार्टी बनी, राजनीतिक पार्टी नहीं बनी, जनसेवा के रूप में पार्टी बनी और उसके कामों को और उसके जो लक्ष्य थे कि जनता के लिए काम करना, उसके हिसाब से हम लोग सब जुड़े हुए थे। अच्छा, आपका किस प्रकार का जनसंपर्क है सर लोगों के बीच? हम लोग शुरू से बचपन से हम लोग पटपड़गंज विधानसभा में रहे हैं और मतलब सब लोग जानते हैं और सब लोगों के छोटे मोटे मदद करते रहे हैं और जो उनके काम पड़ते हैं, राजनीतिक रूप से भी काम पड़ते हैं और जो घर के भी काम पड़ते हैं, हम लोग करते हैं। अच्छा, इस कोरोना लॉकडाउन के समय में कोई भूमिका आपकी सर क्षेत्र में? हाँ, मंत्री जी की तरफ से आदेश रहते थे लोगों की जनसेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, हर तरीके से हम लोगों के बीच में रहे और कोरोना काल में हमने पूरे राशन से लेके मेडिकल सुविधा, सैनिटाइजेशन, ये सब सारे काम किए हैं। अच्छा सर, जैसे अभी जो दिल्ली सरकार की मुहिम चल रही है 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट को लेके, डेंगू को लेके बाहर चल रहा है, क्या इस चीज़ को लेके आपकी कोई भूमिका अपने क्षेत्र में? हाँ, हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को कि भाई 10 मिनट आप एक डेंगू की सफाई के लिए निकाल सकें, जिससे क्योंकि ये साफ पानी में उत्पन्न होता है। और जिस तरीके से पिछले 2 साल, 1.5 से 2 साल पहले हमने ये मुहिम चलाई और डेंगू को मात दी थी, उस तरीके से दोबारा ये मुहिम चलाई है। अच्छा, आने वाला समय चुनाव आ रहा है MCD मिशन 2022, क्या लगता है इस बार जनता का क्या मूड है इस बार का? जनता MCD में बदलाव चाहती है क्योंकि इनके भ्रष्टाचार से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है जनता और लोग परेशान हैं MCD के काम से, क्योंकि सफाई एकमात्र MCD का काम है और MCD सफाई छोड़ के बाकी सारे काम करती है, उगाई के काम करती है MCD, भ्रष्टाचार फैला रखा है। अगर MCD अगर आम आदमी पार्टी में आती तो क्या बदलाव होगा सर? बदलाव जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बदलाव दिखाया है, शिक्षा में पानी मुफ्त मिलना, बिजली मुफ्त मिलना और बाकी डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, उस तरीके से MCD के जो कार्य हैं उनमें भी डेवलपमेंट होगा और ये जो फाइनेंशियली इन्होंने किल्लत कर रखी है जी सर, जो भ्रष्टाचार में सारे पैसे को अपने घर ले जाते हैं, वो काम नहीं होगा आम आदमी पार्टी में। पटपड़गंज विधानसभा है जिसमें 4 वार्ड लगते हैं, क्या आपका डेवलपमेंट अपने क्षेत्र को लेकर, विधायक साहब ने क्या क्या डेवलपमेंट किया अपने क्षेत्र में? विधायक जी, हम पूरी दिल्ली में अगर कोई भी कार्य शुरू होता है तो वो पायलट कार्य के तौर पे सबसे पहले पटपड़गंज विधानसभा में शुरू होता है और पटपड़गंज विधानसभा की विधायक के प्रति जो कार्य हो रहे हैं उनसे खुश हैं लोग, उनको पसंद करते हैं और सारे ही जितने भी डेवलपमेंट के कार्य आते हैं सर की तरफ से सारे पूरे किए जा रहे हैं। सर, आपका जो वार्ड नंबर 10 लगता है, वहाँ की जो निगम पार्षद है गीता रावत जी है, उनका सफाई व्यवस्था पर अगर बात करें 4.5 सालों में क्या हुआ सुधार अपने क्षेत्र में? वो कोशिश करती हैं अपना कार्य पूरा करने के लिए लेकिन जनता, वो भाजपा बैठी हुई है MCD में, वो कार्य नहीं होने देती है। तो इस दौड़ में आप हैं, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है, काफ़ी आप भी संघर्ष कर रहे हैं समाज के लिए, पार्टी के लिए, तो कैसा संघर्ष रहेगा इस बार का? पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ेंगे। तो कैसा रुझान देखने को मिलेगा सर, क्या संगठन समाज क्या आपके समर्थन में? पूरा संगठन पार्टी के साथ है और संगठन में हम भी हैं और संगठन पार्टी के साथ है, चुनाव चाहे कोई भी लड़े। अच्छा, लास्ट में और कुछ अपनी जनता को संदेश देना चाहेंगे सर इस समय, जैसे कि त्यौहार का टाइम भी है, नवरात्र भी चल रहे हैं और एक तरफ लोगों को जागरूकता करने के लिए, अभी इस समय महामारी गई नहीं है, तो एक छोटा सा संदेश, एक अपील। हाँ, खुशियों का त्यौहार है, त्यौहार बिल्कुल मनाइए लेकिन अपने आप को भी कोविड से बचाइए और दूसरे को भी बचाइए।